और जिस बात की आपने उम्मीद की रही होगी वह उम्मीद भी आज इसी शाम को पूरा हो गया कि आपके हाथों में आपका सिविलियन आदेश है। इससे बड़ी सफलता कुछ और नहीं हो सकती। 2013 के बाद 2018 में जब फिर से 8 वर्ष का वर्ष बंधन लगाया गया तो मैं भी वहीं मौजूद था और मंत्रालय में उस दिन मेरे ऊपर कैसे गुजरा था वह मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। सारे लोग जो मेरे साथ थे खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर उधेड़ बुन था कि ये जो 48,000 लोग बच गए उनका क्या होगा, उनके वेतन की स्थिति क्या होगी, उनको समय पर अब वेतन कैसे मिलेगा, क्योंकि जब हम इतनी संख्या में थे तब तो हमको समय पर वेतन मिलता नहीं था, तो अब तो कम हो गए। और वही हुआ, जैसे जैसे हम संख्या में कम होते गए वैसे वैसे हमारी समस्याएं लगातार बढ़ती गई, समय पर वेतन मिलना मुश्किल हो गया और मुझे लगा कि नहीं, अब यह समय आ गया है जब अपने साथियों को एकजुट किया जाए। जिन साथियों को कुछ लोगों के द्वारा नौसिखिया बताया जा रहा है उन्हें रणनीतियों के साथ आगे लेकर एक ऐसा हथियार बनाया जाए जिसका किसी के पास काट ना हो। और इसी परिकल्पना के साथ मैंने सिविलियन अधिकार मंच का निर्माण किया था। यह बात कहने मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है कि उस समय हमें झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे, यानी संगठन के लिए एक जिला संयोजक खोजने में दिक्कत जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी ताकत बढ़ाई और फिर विधायकों को हमने ज्ञापन सौंपा। पहले चरण का जो ज्ञापन था वह हल्का फुल्का था, लेकिन जब दूसरी बार हमारे साथी वहां पहुंचे तो विधायकों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये बच्चे जो हैं वह धीर गंभीर हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। और यही वजह थी कि 25 तारीख को बस्तर में हमारे साथी प्रकाश महापात्र जी जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो उसी समय यह तय हो गया था कि सिविलियन होगा, क्योंकि उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था कि सिविलियन करूंगा और इसी बार करूंगा, बस मीडिया को मत बताना, तुम लोग हल्ला ज्यादा मचाते हो। उसने तत्काल मुझे फोन किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात हुई है क्या करना है। मैंने कहा खबर ड्रॉप आउट कर दो। बोले सर साथी बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी गलत होगी उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, बस आप मेरी बात मानो, इस खबर को यहीं दबा दो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए और पूरा विश्वास रखिए कि इस बार के बजट में हमारा सिविलियन हो रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। जब बजट की घोषणा हुई तो हमारे में कितना आत्मविश्वास था इस बात को आप यहीं से समझ सकते हैं कि मैं अपनी टीम लेकर इन्हीं साथियों के साथ बिलासपुर से रायपुर के लिए कूच कर गया था। लोगों को लगा भी था कि ये लोग जा रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की थी, व्हाट्सएप में तो यहाँ तक लिख दिया गया था कि अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उसका दोषी विवेक दुबे होगा, लेकिन उनके सब इल्जाम सिर पर हमको स्वीकार थे क्योंकि हमको विश्वास था कि जो हमने किया है उसका फल जरूर मिलेगा और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सीख मिलेगी। लेकिन वही हुआ, ऊपर वाले ने मदद की और 3 मार्च को सिविलियन की ऐतिहासिक घोषणा हुई। वह तो थोड़ा दुर्भाग्य था हमारा कि कोरोना ने खेल बिगाड़ दिया, वरना जुलाई में ही हमारा सिविलियन हो गया होता। लेकिन जो होता है उसे आप पॉजिटिवली लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। नवंबर के लिए भी साथियों के मन में भ्रम था कि सर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि निश्चिंत रहो, एक बार चूक हो गई दोबारा नहीं होगा, भगवान बार बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा और हमें जो जीत हासिल करनी थी वह हमने हासिल की। आज इस मंच से मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं उनके प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, जिन्होंने मेरे कहे को जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने कर दिखाया। मैं इस मंच से प्रदेश के तमाम मीडिया हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। अगर मैं नाम लूंगा तो हो सकता है कि मैं नाम लेने में किसी मीडिया हाउस का नाम भूल जाऊं, इसलिए इस मंच से प्रदेश के तमाम मीडिया हाउस, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वेब पोर्टल हो या किसी भी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया के जरिए हो, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज जो हमें सफलता मिली है और इतने सारे कर्मचारी संगठनों के बीच में हम आज अशासकीय से शासकीय हो गए हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ। हम शिक्षक समुदाय से हैं, हमारा काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, हम आपके माध्यम से पूरे समाज को यह विश्वास दिलाते हैं
कि सरकार ने जो हम पर भरोसा जताया है और लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे। हम आज तक इस शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। सन 1998 से शिक्षा कर्मी प्रथा चली आ रही है और लगातार हम अपने कंधों पर उसी तरीके से उस जिम्मेदारी को ढोते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं और हम इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं करेंगे। उल्टा चूंकि अब हमारा वेतन इतना होगा कि हम अपने परिवार का भी पालन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो हम उसमें से भी अंशदान शिक्षा की बेहतरी के लिए करेंगे। और यहाँ के तमाम साथी जो ऊर्जावान है, जिनकी सेवाएं मात्र 7-8 साल हुई है, वह अपना 101% शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाई देने में लगाएंगे। इस मंच से मैं पूरे समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे साथ सविलियन करके सरकार ने जो एक बेहतर निर्णय लिया है उसका प्रतिसाद भी उसी रूप में समाज को हासिल होगा और आपको इस बात को लेकर निराशा नहीं होगी कि इन्हें बेजबरन सविलियन की सौगात दे दी गई। हम अनुशासित थे, अनुशासित हैं और अनुशासित रहेंगे। कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं निकल कर आ जाती है लेकिन वह किस जगह नहीं होती। मंदिर से लेकर किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी सिस्टम में चले जाइए, 2-4 लोग हो सकते हैं लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था को दोष देना कहीं ना कहीं अन्याय होगा। हमारे बीच से भी घटनाएं निकल कर आती हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एक बार आप सकारात्मक होकर देखिए तो आपको वैसे शिक्षक भी नजर आएंगे जो छुट्टियों के दिनों में भी ज्ञान देने का काम करते हैं। आपको वह शिक्षक भी मिलेंगे जो अपने पैसे से स्कूल की बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं। आपको वह शिक्षक भी मिलेंगे जो गरीब बच्चों के लिए कॉपी किताब से लेकर उनका पूरा खर्च उठाते हैं। जरूरत है इस बात की कि सकारात्मक नजरिया लेकर उसे ढूंढा जाए, उसे